ये नजारा है राजधानी पटना के जेपी गोलंबर का। सड़कों पर प्रदर्शन करते ये लोग ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं। अपनी मांगों को लेकर ये सड़क पर उतरे हैं। मांगे पूरी होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन इन्हें खानी पड़ रही है पुलिस की लाठियां। खुद ही देख लीजिए, दरअसल ग्राम रक्षा दल के सदस्यों सह पुलिस मित्रों ने नौकरी अस्थायी करने की मांग को लेकर राजभवन मार्च निकाला। मार्च करगिल चौक से शुरू होकर राजभवन की ओर जा रहा था, लेकिन जेपी गोलंबर के पास ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, फिर पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग करते हुए खूब लाठियां चटकाई, जिससे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई प्रदर्शनकारी सड़क पर ही लेटकर अपनी मांग दोहराने लगे। कुछ तो हाथों में कटोरा लेकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पुलिस मित्रों की सेवा स्थायी किए जाने की उनकी मांग पुरानी है और कई बार सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग सरकार को बार बार ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं सरकार को ज्ञापन सौंपते रहते हैं। आज हमारे भी बहुत सारे साथी हैं जो वर्दी के लिबास में हैं और हम लोग की जो मांगे हैं मानदेय एवं अस्थायीकरण पिछले दिनों भी माननीय सम्राट चौधरी जी आश्वासन दिए थे कि इस विधानसभा सत्र में आप लोगों की मांग की पूरा की जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण आज हम जितने भी ग्राम सदस्य पुलिस मित्र हैं आज कटोरा लेकर रोड पर आ गए और यहाँ से हम लोग राजभवन तक मार्च करेंगे। कटोरा लेकर निकलने का हम लोग को घर का ना घाट का, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। के पास घेराव किए थे जो मार्केट में अंदर जाके, तो वहाँ पुलिस ने रोक के आपको ले गया था, तो क्या उस समय आपकी मांग पूरी नहीं की गई? नहीं, उस समय बोला गया था कि आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। आप लोग जितने भी साथी हैं सभी लोग को जो है मतलब आने वाला कल में इस विधानसभा सत्र में आप लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज 15 तारीख हो चुका है, विधानसभा सत्र प्रारंभ भी है, चल चुका भी है, परंतु अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। क्या करने वाले हैं? आज हम लोग यहाँ से भिक्षाटन करते हुए राजभवन तक जाएंगे, क्योंकि हमारी मांगे जो आज हम लोग कटोरा लेके जो खड़े हैं, आज हम लोग घर का ना घाट का। सरकार एक तरफ ये कहता है कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं, परंतु आज हमारे पूरे बिहार के जितने भी ग्राम सदस्य पुलिस मित्र हैं आज वर्दी पहनकर आज रोड पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। देशवा न्यूज के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।